वेलकम टू ओके लीगल हेल्प हम लोग आई के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन टू अव्यूज एक्व को क्या क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है पहला प्रोटेक्शन है डॉक्टर ऑफ डबल जी पार्टी डॉक्टर ऑफ डबल जी पार्टी का मतलब ये होता है कि अक्यूज को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा ये आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन थ्री हंड्रेड ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है दूसरा प्रोटेक्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंफर्मेशन इसमें यह बोला जाता है कि जो पर्सन है उसको अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने बर, के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा ये आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है सेक्शन थ्री हंड्रेड थर्टीन सब सेक्शन थ्री ऑफ सीआरपीसी में यह बताया गया है कि एक्यूज बाउंड नहीं है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए और वो गलत आंसर देता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा सेक्शन 315 हंड्रेड फिफ्टीन सबसेक्शन वन बी एफ सी सी में ये बोला गया है अगर एक्यूज एविडेंस नहीं ले आ पाता उस केस में अदर पार्टी उस पर कमेंट नहीं कर सकती और कोर्ट ये प्रेज्यूम नहीं कर सकता कि वो गिल्टी है सेक्शन 164 हंड्रेड सिक्सटी फोर टू ऑफ सी में ये बोला गया है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगी एक्यूस्ट को कि वो कम्पेंसेशन देने के लिए बॉन्ड नहीं है और वो अगर कॉम्पेंसेशन देता है तो वो एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ यूज हो सकता है थर्ड प्रोटेक्शन है राइट टू लीगल एड आर्टिकल थर्टी नाइन एफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है हर एक स्टेट का एक डायरेक्टिव पॉलिसी है कि वो जस्टिस को प्रोमोट करे इंडियन लीगल जस्टिस को आगे ले जाए इसमें यह भी बोला गया है कोई भी पर्सन अगर अपने लिए प्लीडर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अरेंज नहीं कर पाता तो उसके लिए एक फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए ये अगर इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज या फिर अदर डिसेबिलिटीज के वजह से पर्सन पीछे ना रहे वो जस्टिस की तरफ बढ़ सके सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी में ये है अगर एक्व अपने लिए प्लीडर अरेंज नहीं कर पाता तो उस केस में उसको स्टेट प्लीडर अरेंज करके देगी ताकि उसके केस को रिप्रेजेंट कर सके फोर्थ प्रोटेक्शन है प्रेजम्पन ऑफ इनोसेंस इसके अकॉर्डिंग एक्यूज को प्रजम्ट किया जाएगा कि वो एक इनोसेंट पर्सन है अनटिल ही इज प्रूव गिल्टी इसमें जो भी फैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 हंड्रेड वन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो भी एक्यूज ने एजर्ट किया है जो भी फैक्ट वो ट्रू है और उसके लिए वो फैक्ट फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करेगी फिर इसमें जो पाँचवा प्रोटेक्शन है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इ अरेस्ट मतलब जब भी ये आर्टिकल 22 टू ऑफ क्लास वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जब भी पर्सन अरेस्ट होता है उसको ग्राउंड ऑफ़ अरेस्ट बताया जाएगा और उसमें यह भी बताया जाएगा कि वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अरेंज कर ले और इसमें यह भी है कि उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करने से और मिलने से कोई नहीं रोक सकता और इसमें फिर है नेक्स्ट प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन ये आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया और सेक्शन 57 सेवन ऑफ सी है इसमें यह है कि जब भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और उसको ग्राउंड ऑपरेस भी बताया जाएगा नेक्स्ट प्रोटेक्शन है इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ऑपरेज सेक्शन फिफ्टी ऑफ सी सी के अकॉर्डिंग जो भी जिसको भी अरेस्ट किया गया डिटेन किया गया है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता के कि डिटेन किया जाएगा कि वो किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है और उसको ये भी बताया जाएगा अगर बेलेबल ऑफेंस हुआ तो उसको बताया जाएगा कि वो कैसे बेल ले सकता है फिर नेक्स्ट लास्ट प्रोटेक्शन है एग्जामिनेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर ये सेक्शन 54 फोर आप सी में बताया गया है इसमें यह है कि अगर एक्यूज रिक्वेस्ट करता है बाय द मेडिकल प्रैक्टिसनर की उसका जो भी है हर एक चीज़ को मेडिकली एग्जामिन किया जाए उस केस में उसके रिक्वेस्ट पर किया जाएगा यह रहे है हमारे आर्ट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन टू एक्ज हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू वन सेकेंड वेलकम टू ओके लीगल हेल्प